दिल्ली की स्थिति भयावह बनी हुई है। खासतौर से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में लगातार दंगे की, हिंसा की, दुकानें जलाने की, धार्मिक स्थल जलाने की, लोगों की जिंदगियां ले लेने की, ऐसी तमाम भयावह सूचनाएं मिल रही हैं। और इस हिंसा में हिंदू मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले की जान गई, धार्मिक स्थल जलाए जा रहे हैं, पत्रकारों को मारा जा रहा है, कोई नहीं बच रहा है, दुकानें जलाई जा रही हैं, घर जलाया जा रहा है। और यह सब कुछ हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां की कानून व्यवस्था गृह मंत्री जी के अधीन है, जहां की कानून व्यवस्था तो गृह मंत्री देखते हैं, केंद्र की सरकार देखती है। पूरी रात कल मुख्यमंत्री जी ने, हम सारे लोगों ने मिलकर विधायकों से बातचीत की, कार्यकर्ताओं से बातचीत की, अलग अलग इलाकों में जो स्थितियां थी उसके बारे में बातचीत की। कहीं सूचना आई कि किसी गली में भीड़ घुस के घर जला रही है, कहीं सूचना आई कि किसी गली में घुस के भीड़ दुकान जला रही है, कहीं सूचना आई कि किसी चौराहे पर इकट्ठा होकर गोलियां चलाई जा रही है। और जहां जहां जैसी सूचना मिली लगातार पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की गई। ज्वाइंट सीपी नॉर्थ ईस्ट से बातचीत करता रहा मैं पूरी रात, उनको घटनाओं की जानकारी देता रहा। एमएस रंधावा जी जो पीआरओ है दिल्ली पुलिस के, उनसे बातचीत होती रही पूरी रात भर, उनको घटनाओं की जानकारी देता रहा। राजीव रंजन जी जो पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उनसे बातचीत होती रही। एक एक एरिया में जहां जहां हिंसा की जानकारी मिली, जहां जहां भी ऐसी वारदात दंगे की जानकारी मिली, पुलिस अधिकारियों को पूरी रात हम लोग सूचना देते रहे और उनसे कहते रहे, अनुरोध करते रहे कि आप पुलिस बल भेजिए, पुलिस बल भेजिए। और कई जगहों पर उन्होंने पुलिस बल भेजा, लोगों को निकालने का अपनी ओर से प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस बल की अपनी एक क्षमता है, दिल्ली पुलिस की अपनी एक क्षमता है। ये कह देना कि उन्होंने प्रयास नहीं किया शायद गलत होगा, इसलिए कि एक पुलिस वाले की जान गई, 56 पुलिस वाले कल तक घायल हुए, 136 नागरिक घायल हुए कल तक की जानकारी के हिसाब से। जो आधिकारिक सूचना है उसमें 13 लोगों की जान जा चुकी है, अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। इससे हासिल क्या हो रहा है, इन दंगों से, इन फसाद से दिल्ली को क्या मिल रहा है? मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं उन सारे लोगों से जो कहीं ना कहीं इस दंगा भड़काने की मुहिम में शामिल है, वो चाहे किसी भी संगठन, किसी भी दल का व्यक्ति हो, कृपा करके दिल्ली को बर्बाद होने से बचाइए, ये सब मत कीजिए। दंगों के घाव दिलों पर सालों साल रहते हैं, बर्बाद मत कीजिए दिल्ली को। गृह मंत्री अमित शाह जी जागिए, आप मीटिंग बुलाते हैं सर्वदलीय, बैठक की औपचारिकता मात्र पूरी करते हैं, और आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं? कपिल मिश्रा खुलेआम दंगे भड़काने की बात कर रहा है, कल भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्मीनगर का विधायक अभय वर्मा, वो खुलेआम हिंसा भड़काने के लिए जुलूस निकाल रहा है। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र क्यों, कि एक तरफ गृह मंत्री मीटिंग करते हैं हाई लेवल और दूसरी तरफ उनके नेता भड़काने की कोशिश करते हैं? उनकी एक महिला विंग की सोशल मीडिया की इंचार्ज है, वो लिखती है अपने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे लिखती है कि दिल्ली के लोगों, फ्री बिजली, फ्री पानी की कितनी भारी कीमत तुमको चुकानी पड़ रही है, यह भाजपा की भाषा है।
इसका मतलब अगर एक सरकार लोगों को राहत देने का काम करेगी, उसके आधार पर चुनी जाएगी, तो आप दंगे कराओगे, फसाद कराओगे और लोगों को धमकी दोगे कि यह कीमत तुमको चुकानी पड़ रही है। यह भाजपा की मानसिकता है, समझ के बाहर है किस तरह के लोग आ गए। बहुत सारे इलाकों से साथियों ने सूचना दी कि बाहर के लोग वहां देखे जा रहे हैं। बाहर के लोग कैसे आ गए, कैसे वो दिल्ली के अंदर घुस के दंगे भड़का रहे हैं। बॉर्डर एरिया को सील करने की मांग मुख्यमंत्री जी ने की, क्यों नहीं अब तक बॉर्डर एरिया सील किया गया। आज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने पुलिस बल के तमाम प्रयासों के बावजूद अगर दिल्ली में दंगा कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ये भयावह स्थितियां लगातार अगर बनी हुई है, तो सेना क्यों नहीं बुलाई जा रही है, कर्फ्यू सभी एरियाज के अंदर क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं। आज उन्होंने पत्र भी लिखा इस संबंध में गृहमंत्री जी को कि आप सेना यहां पर भेजकर स्थिति पर नियंत्रण पाइए, स्थिति पर काबू कीजिए। कल मनीष सिसोदिया जी के इलाके में बहुत सारे लोग अफवाह फैलाने निकल गए, वहां पे लोग लाठी डंडे लेके खड़े हो गए। जब उप मुख्यमंत्री जी को जानकारी मिली तो उन्होंने अपने लोगों को वहां पर भेजा, पार्टी के कार्यकर्ता गए, उन्होंने भाई पूछा क्यों आप लोग यहां खड़े हैं, तो पता ये चला कि बाहर से उस तरफ से भीड़ आ रही है, उनको हम मारने पीटने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जब उन लोगों ने दूसरी तरफ जाकर देखा तो कोई ऐसी बात नहीं थी, फिर वहां स्थिति नियंत्रण हुई और लोग अपने अपने घरों में गए। मैं पूरे दिल्ली के सभी इलाकों में जहां पर ऐसी परिस्थितियां हैं, हाथ जोड़कर लोगों से अपील करता हूं, हिंदू हो मुसलमान हो, अपने अपने इलाकों में निकलिए। पार्टी के कार्यकर्ता विधायक सारे लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे किसी भी तरह के दंगे को, फसाद को, हिंसा को रोकने के लिए। और कोई भी सूचना हम लोगों की जानकारी में आ रही है उसके हिसाब से हम लोग पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर उन प्रभावित इलाकों में सेना लगाने की और कर्फ्यू जो भी एरिया बचे हैं जहां पे हिंसा चल रही है वहां पे कर्फ्यू लगाने की भी मांग की है। इसके साथ साथ आज जो दो और घटनाएं हैं कि किस तरह से भाजपा के एक विधायक ने लक्ष्मी नगर के एरिया में जुलूस निकाल के नारे लगाए और दंगे भड़काने की कोशिश की, वो मैं चाहता हूं आप लोग जरूर देखें। कपिल मिश्रा की बातें आप लोगों की जानकारी में है कि किस तरह से उसने भड़काऊ बयान दिया था। मैं ये मांग करता हूं कि कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, जो भी हिंसा फैलाने वाला व्यक्ति है उसका कोई धर्म नहीं है, उसका एक ही धर्म है हिंसा, और उससे सख्ती से निपटना चाहिए। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, यह बापू का देश है, यहां पर हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जिस दिन से यह घटनाएं हुई हैं लगातार गृहमंत्री जी के साथ मीटिंग की, एलजी साहब के साथ मीटिंग की, पीड़ित लोगों से मिलने अस्पताल में गए, जिन कांस्टेबल की मौत हुई थी उनके परिवार से मिलने गए, सारे अधिकारियों की, दिल्ली के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, विधायकों के साथ मीटिंग की, राष्ट्रपिता बापू की समाधि पर गए, वहां पर शांति के लिए प्रार्थना की, लगातार कल पूरी रात जगे रहे, जहां जहां की सूचनाएं मिलती रहे उसके हिसाब से हम लोग पुलिस अधिकारियों से बातचीत करते रहे। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है अब तक देश के गृह मंत्री ने क्यों अपनी ओर से कोई एक शांति की अपील तक नहीं की? क्या उनको उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं बनती? उनके नेताओं को खुलेआम छूट है दंगा भड़काने की, दिल्ली का माहौल खराब करने की। जब से देश के गृह मंत्री अमित शाह बने हैं दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं लगातार। कभी वकीलों पे गोलियां चल रही है, कभी छात्रों पे लाठियां चल रही है, कभी प्रोफेसर के सर फोड़े जा रहे हैं, कभी दिल्ली के अंदर उनके नेता खुलेआम दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं। तो ये सरकार करना क्या चाहती है, मंशा क्या है इनकी? देखिए ये वीडियो और आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से
यहां पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, गोली मारो आगे के शब्द मैं बोल भी नहीं सकता। ये भाजपा के विधायक हैं, हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं अमित शाह जी, दिल्ली में शांति बहाली की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और उनके विधायक ये कर रहे हैं। ये है भाजपा का असली चरित्र, ये करना चाहती है दिल्ली में भाजपा। मैं निवेदन करूंगा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी से कि वो बाकी स्थितियों के बारे में आपको जानकारी दें, जिन जिन क्षेत्रों में और भी स्थिति खराब है। पिछले तीन दिनों से लगातार दिन रात हम लोग वहां स्थानीय स्तर पे जो घटनाएं हो रही हैं उसको मॉनिटर कर रहे हैं। 24/7 पूरा क्षेत्र भी जग रहा है दहशत में, और सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी जो विधायक हैं वो भी जग रहे हैं। परसों पहली बात तो ये कि जब ये घटना शुरू हुई 10 संडे के दिन, संडे के दिन अगर पुलिस चाहती तो इसकी शुरुआत इतने बड़े पैमाने पर कभी नहीं हो सकती थी। पुलिस ने उस समय तत्काल जो एक्शन लेना था, चाहे वो मेट्रो स्टेशन के लोग प्रदर्शन करने वाले नीचे आए, और चाहे कपिल मिश्रा जी मौजपुर चौक पर जिस तरह से गए और जिस तरह से वो घटना की शुरुआत हुई, मुझे लगता है कि पुलिस की अगर उस समय ऊपर से आर्डर होता तो उसी समय इस घटना को नियंत्रित किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद भी लोगों को चारों तरफ घटनाएं बढ़ने लगी और पुलिस की जितनी व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हुई। बार बार बातचीत होती रही, एलजी साहब से हमने खुद बात की, पुलिस प्रशासन के लोगों से बात की, पुलिस कमिश्नर साहब तो खैर पिछले तीन दिन हो गए लेकिन एक बार भी उन्होंने फोन उठाने की जद्दोजहद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, लेकिन और अधिकारियों से बात होती रही। लेकिन सब कुछ के बाद उपद्रवियों का उपद्रव दंगा नियंत्रित नहीं हुआ। रात में हम लोग परसों रात में एलजी हाउस फिर गए, एलजी साहब के यहां रात में देर रात पुलिस के अधिकारी आकर के उन्होंने कहा कि हम फोर्स लगा रहे हैं, फिर भी फोर्स नहीं लगाई गई। कल का वादा था कि कल फोर्स लगेगी, कल कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाई गई और कुछ जगहों पर कर्फ्यू भी लगाया गया, खासतौर से जाफराबाद में, मौजपुर में, चांदबाग में, करदमपुरी के इलाके में। लेकिन कल रात में फोर्स जाने के बावजूद भी घटनाएं, आगजनी की घटना, फायरिंग की घटना रुकी नहीं, केवल जगह शिफ्ट हो गई। मौजपुर चौराहे से जगह शिफ्ट हो गई, करदमपुरी से जगह शिफ्ट हो गई, जाफराबाद से जगह शिफ्ट हो गई, चांदबाग से जगह शिफ्ट हो गई। कल रात भर उस इलाके में घटना हुई है, बाबरपुर विधानसभा के अंदर गली नंबर 1, 2, 3 और मेन रोड पीतमपुरी, पीतमगिरी, धर्मशाला, सुभाष मोहल्ला में फायरिंग होती रही रात में। और रात में एक बार पुलिस तो गई, उसने राउंड लगाया, उसके बाद 3 घंटे तक पूरा इलाका जो है वो दहशत गर्दों के और दंगाइयों के हवाले छोड़ दिया गया, कोई फोर्स वहां नहीं पहुंची। मुस्तफाबाद में सबसे ज्यादातर रात में फायरिंग और मौत मुस्तफाबाद इलाके में हुई है। शिव बिहार तिराहा, कमल बिहार, शिव बिहार फेज 6 और 7, शमशान घाट नाला रोड, शेरपुर चौक के पास, ब्रिजपुरी पुरिया, यहां पर जो है लगातार रात भर आगजनी की घटना और फायरिंग की घटना हुई है। करावल नगर में विधानसभा में सोनिया बिहार तीसरा पुस्ता,
मिलंत गार्डन चांदबाग, करावल नगर रोड, खजूरी पुस्ता, ए ब्लॉक सोनिया बिहार में घटनाएं होती रही रात भर। उसके बाद गोकुलपुर विधानसभा में शिव बिहार तिराहा जो पुड़िया है, डबल ये पुड़िया जो शिव बिहार की है, रात में जैसे पहले मौजपुर सेंटर था, रात में शिव बिहार तिराहा जो है सेंटर बना, वो तीन विधानसभाओं का केंद्र है, मुस्तफाबाद, करावल नगर और गोकुलपुर। और वहां पर खास तौर से यूपी से लोग रात में इंटर किए और वहां पर रात भर फायरिंग हुई है, बहुत सारे लोग मरे हैं वहां पर। जब भागीरथी बिहार में गली नंबर 6 इंदिरा बिहार में, गली नंबर 11 चमन पार्क में, गोंडा विधानसभा में सुभाष मोहल्ला, गड्ढे वाली मस्जिद, गोंडा रोड, गढ़ी गांव, गांवड़ी गांव और रोहतास नगर में अशोक नगर में घटना हुई है। ये सारी रात भर घटनाएं चलती रही, पुलिस से लगातार कांटेक्ट हम लोग करते रहे, सबने बात की, लेकिन वहां पर एक राउंड पुलिस ने गश्त किया और उसके बाद जो है सारा सन्नाटा फैला रहा। रात में लोगों को एम्बुलेंस के लिए भी दिक्कत होती रही कि एम्बुलेंस जो है वहां जाने के लिए रास्ते नहीं थे, आगे बंद कर दिए गए थे और पीछे से रास्ता नहीं था। तो अभी जो ये सारा घटनाक्रम है वो दिखा रहा है। कल सुबह आल एमएलए मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीएम आवास पे बुलाई थी, सभी जी की रिपोर्ट लेकर के गृह मंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अब हम स्त्री को नियंत्रण में करेंगे, लेकिन कल रात का जो पूरा घटनाक्रम है वो ये दिखा रहा है कि जगह केवल बदली है, दंगाइयों का न तो मनोबल टूटा है और न तो फायरिंग की घटना रुक रही है। ऐसे में हम लोगों की बहुत ही विनम्र ये निवेदन है और हम जो स्थिति देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज सारी कोशिशों के बावजूद, मुख्यमंत्री की सारी कोशिशों के बावजूद, सारे विधायकों की कोशिशों के बावजूद, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि शांति बहाली की जाए, लेकिन जो भी कारण हो, लेकिन सारी मेहनत करने के बाद फोर्स उपलब्ध नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है, न पुलिस बताने की स्थिति में है, न गृह मंत्री बता रहे, न एलजी साहब बता रहे कि आखिर लोगों को इस मौत के मुहाने पर क्यों ढकेला जा रहा है जबरदस्ती, आग के हवाले इस पूरे दिल्ली को किस क्यों किया जा रहा है। और इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने और आम आदमी पार्टी का भी ये स्पष्ट मानना है कि दिल्ली के अंदर जो आग लगी है, जो इस तरह से फायरिंग हो रही है, हत्याएं हो रही है सरेआम, और ये कोई धार्मिक मामला नहीं बचा, हर धर्म के लोग मारे जा रहे हैं, हर धर्म के लोगों की दुकानें जल रही हैं, मकान जल रहे हैं, किसी एक धर्म का मसला नहीं है, आज पूरी इंसानियत जलाई जा रही है। और इसलिए इस पर तुरंत अब नियंत्रण करने के लिए सेना को यहां लगाने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। और इसलिए आम आदमी पार्टी भी ये मांग कर रही है कि दिल्ली के अंदर शांति बहाली के लिए, अमन चैन बहाली के लिए, लोगों को जिंदगी को बचाने के लिए दिल्ली के अंदर सेना को लगाया जाए, जिससे तुरंत पूरी स्थिति को नियंत्रण में लाया जा सके और बॉर्डर जो इलाका है जहां से अभी लगातार बाहरी लोग इंटर कर रहे हैं उसको रोका जाए। हमने आम आदमी पार्टी के सभी वॉलंटियर्स को अपने अपने मोहल्ले में लोगों से वन टू वन बात करके लोगों को स्थानीय स्तर पे अगर किसी तरह की अफवाह है उसको रोकने के लिए, लोगों को समझाने के लिए लगाया है और पूरी पार्टी इस अभियान में लगी है कि नीचे से कैसे लोगों को समझाया जाए। लेकिन लोग तो समझ रहे हैं, लेकिन उपद्रवी जो बाहर से इंटेंशनली आ रहे हैं दंगा भड़काने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए सेना को के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर तुरंत सेना लगाई जाए और इस पूरे हालात पर, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहां जो घटनाएं हो रही हैं पूरे देश भर से फोन आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर उन इलाकों से जितने फोन आ रहे हैं उससे ज्यादा फोन, 24 घंटे फोन बज रहे हैं, पूरे देश भर से लोग चिंतित हैं इसको लेकर के। इसलिए गृह मंत्री जी से निवेदन है, प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि आप तुरंत हस्तक्षेप करें और दिल्ली के अंदर शांति व्यवस्था को तुरंत बहाल किया जाए। इसमें एक लाइन और मैं बोल दूं कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे वीडियो फोटो इस तरह के भी आ रहे हैं कि लोग इकट्ठा होके, हिंदू मुसलमान एक साथ निकल के जुलूस निकाल रहे हैं, अपील कर रहे हैं शांति की, वो अपने अपने क्षेत्र में शांति चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके बाहरी लोग जो यूपी के बॉर्डर से और दूसरे इलाकों से घुस रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करना बहुत जरूरी है। बॉर्डर सील किया जाए, शांति बहाली के लिए एक बहुत बड़ा कदम ये भी होगा। हाँ, आपके सवाल। संजय जी, आज सीएम ने जो चिट्ठी लिखी, वाज इट
पर्सनल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर टू द होम मिनिस्टर ना ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के तहत की एसडीएम ने सीएम को अलर्ट करा एंड सीएम होम मिनिस्टर को? देखिए दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 का जो 39 क्लॉज है उसमें साफ तौर पे दिया हुआ है कि ये एडिशनल फोर्स बुलाने की पावर वो पुलिस कमिश्नर को है अपने एसीपी के रिपोर्ट के आधार पे या नीचे के पुलिस अधिकारियों के रिपोर्ट के आधार पे। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते जो परिस्थितियां आज सामने हैं, जो भयावह स्थितियां आज सामने हैं, उसको देखते हुए उन्होंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि दिल्ली में सेना बुलाई जाए और जो भी प्रभावित इलाके और भी हैं वहां पे कर्फ्यू लगाया जाए। पर्सनल कैपेसिटी एक मुख्यमंत्री के पर्सनल कैपेसिटी का मतलब कि एज ए मुख्यमंत्री एज ए चीफ मिनिस्टर। सर, गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि 2-3 दिन से बकायदा पैरामिलिट्री फोर्सेस को ऑलरेडी इलाके में डिप्लॉय किया हुआ है और मैंने आपको बताया तो यही तो मैंने कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया हुआ है। जितने पुराने केंद्र थे वहां पर डिप्लॉय किया गया फोर्स को। रात में 8 बजे के बाद जो पूरा पॉइंट था गुंडागर्दी का, दंगा करने का, वो शिफ्ट हो गया, वहां पर फोर्स नहीं है। आज मैंने आपको जितने जगह बताई है इसमें इन सारे जगहों में से अभी शिव विहार पर सुबह सुबह फोर्स जाकर के लगी है। इन जगहों पर जब हम लोग रात में पुलिस से कोऑर्डिनेट करते रहे तो एक बार तो फोर्स गई कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं उदाहरण के नूरे इलाही घोंडा जो रोड है वहां पर जब हमने बहुत प्रेशर बनाया तो फोर्स गई, अनाउंसमेंट किया, लेकिन उसके बाद फोर्स जब वापस आई तो फिर रात में करीब 4 घंटे तक वहां तांडव चलता रहा और कोई पूछने नहीं गया। तो देखिए फोर्स अपर्याप्त है अब, लेकिन इसको पुलिस का अधिकारी नहीं कह सकता है, वो एक सरकारी नौकर है वो नहीं कह सकता इस बात को। लेकिन जो परिस्थितियां हैं वहां पे उसके हिसाब से वो एक बार पुलिस फोर्स भेजते हैं, फिर उनको हटानी पड़ती है क्योंकि दूसरे जगह भी स्थितियां खराब है वहां भेजना पड़ता है। तो उनके सामने भी एक मजबूरी है कि वो आधिकारिक रूप से ऑफिशियली इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि फोर्स की कमी है, लेकिन ग्राउंड की जो रिपोर्ट है, जो हालात है, उसके हिसाब से फोर्स की कमी है। इसलिए हमने सेना के लिए लिखा है और सेना की डिमांड की है। इतने ज्यादा जो घटना हुई है, अगर फोर्स होती तो ये घटना नहीं होती। सर, सो व्हाई डिड द दिल्ली गवर्नमेंट राइट टू सेंटर डिमांडिंग आर्मी व्हेन द सिचुएशन वाज एस्केलेटिंग इनिशियली ऑन संडे? जैसे जैसे हमको सूचनाएं मिलती हैं, जहां जहां की जैसी परिस्थितियां सामने आती हैं उसके हिसाब से हम लगातार मांग कर रहे हैं। और कल से ही हमने मांग किया था कि भाई सेना भेजी जाए, कल ही हमने पार्टी की ओर से भी डिमांड किया था कि भाई सेना भेजी जाए। जहां तक आप लॉ की बात करेंगे तो उसमें मैंने बता दिया कि दिल्ली पुलिस एक्ट क्या कहता है, लेकिन बावजूद इसके एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमसे हमने जो देखा हालत उसके आधार पे अरविंद केजरीवाल जी ने पत्र लिखा है कि भाई यहां पे सेना लगाई जाए। जो और भी प्रभावित इलाके हैं, कुछ इलाकों में आपने कर्फ्यू लगाए हैं, और भी जो प्रभावित इलाके हैं वहां पे कर्फ्यू लगाया जाए। हिंसा को रोकना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि यह दंगे फसाद हिंसा जो खुलेआम चल रही है इस पे तुरंत रोक लगाया जाए। देखिए सेना पर हम इसलिए आए हैं, सेना की डिमांड कर रहे हैं। परसों हमने एलजी से बात की, एलजी ने इंश्योर किया कि किस सारी व्यवस्था की जा रही है, कोई घटना नहीं होगी। वो नहीं हो पाया, रात में घटना हुई। कल फिर गृह मंत्री से मुख्यमंत्री खुद मिलने गए, उन्होंने इंश्योर किया कि नहीं हम जो है कंपनी भेज रहे हैं, अतिरिक्त पुलिस बल भेज रहे हैं और कोई घटना नहीं होगी। उसके बाद रात भर की घटनाक्रम है जो बता रहे हैं, रात भर तांडव चला है। इसलिए ये बात आखिरकार ये बात सोचनी पड़ी है कि प्रयास पुलिस कर रही है लेकिन उसके पास पर्याप्त पुलिस फोर्स नहीं है। जब हम यहां से डिमांड करते हैं, घटना होती है तो पुलिस जाती है, फिर दूसरे जगह मूव करती है और उस दौरान ही सारा तांडव हो रहा है। खासतौर से यह मेन रोड छोड़ करके जितने छोटे छोटे गलियां हैं और चौराहे हैं वहां पर ये अब दंगा हो रहा है और वहां पर ये सारे कत्लेआम घटना हो रही है। इसलिए अब हम लोगों को ये लग रहा है कि अब चूंकि ये बहुत कई दिन गुजर गए धीरे धीरे, इसलिए तुरंत प्रभाव से इसे नियंत्रित करने के लिए सेना की जरूरत है। और देखिए अभी दिल्ली उच्च न्यायालय की के आदेश की एक सूचना आई है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूछा है कि भाई जो भड़काऊ बयान प्रवेश वर्मा की ओर से, कपिल मिश्रा की ओर से उनके भाषणों के दिए गए, अनुराग ठाकुर की ओर से जो बयान दिए गए, उसका संज्ञान समय रहते दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं लिया? और दूसरा, एक पुलिस अधिकारी के बगल खड़ा होके कपिल मिश्रा खुलेआम धमकी कैसे दे रहा था
इसका भी संज्ञान उच्च न्यायालय ने लिया है और उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्यों घटित हुआ, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की गई। एक आदमी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है, धमकी दे रहा है और पुलिस अधिकारी बगल में खड़ा है और इतनी बड़ी वारदात दिल्ली में, इतनी बड़ी हिंसा हो जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं। यह क्या दिखाता है? सत्ता के इशारे पर कैसे काम चलेगा, उनके इशारे पर कैसे सारी व्यवस्था चलेगी? खुलेआम सत्ताधारी दल के नेताओं को जो कुछ भी करने की छूट है, कहीं भी हिंसा भड़काओ, कहीं भी दंगा भड़काओ, कहीं भी कुछ बोलो, कहीं भी लोगों को मारो काटो,